और मिस अनहसयो, आप सभी ने BTS के कैरेक्टर्स BT21 का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी BT लाइन के काफी सारे स्टोर साउथ कोरिया और सभी कंट्रीज में खुले हुए हैं, जहां पर BTS के ऑफिशियल मर्केंडाइज मिलते हैं और वहां पर BTS के इन कैरेक्टर्स के काफी सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये शॉकिंग बात जानते हैं कि फाइनली BTS का पहला ऑफिशियल BT21 स्टोर इंडिया में खुल चुका है, और ये स्टोर कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई में खुला है। इसके बाद इंडिया की बाकी सारी सिटीज जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई सभी लाइन में है, और यहाँ पर ये स्टोर्स खुलने की काफी सारी प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, स्टोर के बारे में और बातें जानने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, फाइनली हमारे BTS ने किया इंडियन स्टोर्स के साथ कोलैबोरेशन, क्योंकि इंडिया में खुल चुका है BT21 का ऑफिशियल स्टोर। तो दोस्तों, वैसे तो BT21 की काफी बड़ी लाइन है जो कि बहुत ही सारे चेन की तरह कंट्रीज में फैली हुई है, लेकिन इंडिया में अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल स्टोर देखने को नहीं मिला था। लेकिन थैंक्स टू अ कैरेक्टर लाइफस्टाइल जिनका नाम विंटर बियर है, जिनकी वजह से इंडिया में भी ये कैरेक्टर लाइन आ चुकी है और दोस्तों चेन्नई में इसका पहला स्टोर खुल चुका है। तो दोस्तों, इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने वाली निहारिका ने खुद बताया कि वो केपॉप की बहुत ही बड़ी फैन है और उनकी टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे और केपॉप की नई आर्मीज ही थी, क्योंकि उनको चेन्नई में काफी सारे फेयर्स और कंपटीशन से पता चला कि इंडिया में इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि उन्होंने बताया कि अपने स्कूल टाइम पे वो भी केपॉप की काफी बड़ी फैन थी और उन्होंने इंडिया के काफी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया है, जिसके बाद उनको ये समझ में आया कि चेन्नई में स्पेशली इसकी काफी ज्यादा डिमांड है और इसीलिए उन्होंने इस ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करने का फैसला लिया। दोस्तों, यही नहीं बल्कि उन्होंने बताया है कि वो साउथ कोरिया भी जा चुकी हैं और वहां पर जाने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि हालियो वेव यानी कोरियन वेव की इंडिया में बहुत ही बड़ी डिमांड है और इंडिया इस चीज का एक बेटर मार्केट बन सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में BTS के बहुत ही कम स्टोर्स हैं जहां पर ऑफिशियली कुछ भी अवेलेबल होता है, या फिर कोई भी ऐसा स्टोर नहीं है जहां पर सिर्फ और सिर्फ BTS का ही सामान हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये पॉपअप स्टोर खोला है जो कि इंडिया में लाइन फ्रेंड्स और BT21 के ऑफिशियल मर्केंडाइज को काफी अच्छे से प्रमोट कर पाएगा, जिससे उनका भी फायदा होगा और आर्मीज को भी इजिली ये सब चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों, यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि वो बाकी सिटीज में भी इन स्टोर्स को जल्दी खोलेंगी और दोस्तों, हो सकता है कि इसके बाद वीवर्स के ऑफिशियल स्टोर्स भी इंडिया में खुलने लग जाएं और BTS के ऑफिशियल एल्बम्स भी इंडिया में अवेलेबल हो जाएं। और दोस्तों, काफी सारी आर्मीज जिन्हें इस स्टोर के बारे में पता चला है वो काफी ज्यादा खुश हैं। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और क्या आप भी अपनी सिटी में BTS का स्टोर चाहते हैं या फिर नहीं, और आप अपने मैसेजेस कमेंट्स हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।